बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे और आपके रिज़क में बरकत दे। आज मैं बोनलेस चिकन की रेसिपी तैयार करने लगी हूँ। यहाँ मैंने थाई का गोश्त लिया है, मैंने दो थाई ली हैं और इनको स्ट्रिप में काट लिया है। इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर लगा के थोड़ी देर रख दूंगी। हसबे जायका नमक डालें जितना आप पसंद करते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दें। यहाँ मैंने एक बड़ा और एक छोटा प्याज लिया है और इसके टुकड़े काट लिए हैं जिनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैं ग्राइंडर में इनको ग्राइंड करके, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, बस मोटा मोटा थोड़ा रह जाए। यहाँ आधा कप ऑयल डाला है और इसमें ये प्याज की ग्राइंड किया हुआ प्याज डालूँगी और इसको अच्छी तरह फ्राई करूंगी ताकि इसका रंग हल्का ब्राउन हो जाए। अब उसी ग्राइंडर में मैं बादामों की पेस्ट भी तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने आधा कप बादाम लिए थे, यहाँ प्याज थोड़ा थोड़ा इसका रंग चेंज होने लग पड़ा है। यहाँ मैं अब एक टीस्पून गार्लिक पेस्ट और एक टीस्पून जिंजर पेस्ट डालकर 2-3 मिनट फ्राई करूँगी। जब इनका रंग ब्राउन हो तो मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर 2-3 मिनट तेज़ आंच पर भून लूँगी। यहाँ इसको तेज आंच पर भूनना है। जब तक चिकन का रंग चेंज ना हो जाए तब तक भूनेंगे और साथ ही आधी टीस्पून इसमें हल्दी डालूंगी और 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल के अच्छी तरह इनको 3-4 मिनट मीडियम हीट पर भून लूँगी ताकि ये अच्छी तरह चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ज़्यादा भी नहीं भूना कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब इसमें रेडीमेड टमाटरों की पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये आप दो या तीन टीस्पून भी डाल सकते हैं और 3-4 मिनट इसको भूनूंगी। भूनने के बाद इसमें जो मैंने बादामों की पेस्ट तैयार की थी वो डालकर भूनूंगी अच्छी तरह। जब ये पेस्ट अच्छी तरह से भून जाएगी इसमें आधा कप दही डालकर इसको अच्छी तरह आग पहले हल्की कर देनी है ताकि इसमें कोई फुटकी वगैरह ना बन जाए। अब इसको तेज आंच पे भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसमें पानी भी आप हसबे ज़रूरत डाल सकती हैं। मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। यहाँ मैंने हरी मिर्चें भी शामिल कर ली हैं इसमें ताकि इनका भी जायका अंदर चला जाए। और साथ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कोकोनट पाउडर भी शामिल किया है।
उससे भी इसका जायका बहुत ही अच्छा बन जाता है। और ग्रेवी मज़ेदार बन जाती है। आप अपनी मर्जी से पानी शामिल कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी की ज़रूरत है। ये कोकोनट पाउडर है। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो जाए उसमें हाथों से मसल कर कसूरी मेथी डाल लें और गरम मसाला शामिल करके इस पे ढकना लगा के फिर दम पे रख दें। थोड़ी देर के लिए आंच हल्की कर दें ताकि ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि खुशबू वगैरह भी इस सारे सालन में रच बस जाए। ये देखें, ये माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर बना है और सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और ये क्रीमी क्रीमी नज़र आ रही है। अब मैं इसको एक डिश में निकाल रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ बादाम कटे हुए इनके ऊपर डाल दूंगी ताकि ये और डिश देखने में और भी ज़्यादा अच्छी नज़र आए। इसके अंदर भी मैंने बादामों की पेस्ट डाली और ऊपर भी बादामों का छिड़काव कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करके सर्व करें ताकि खाने वाले का भी दिल खुश हो जाए। आप इसको गरम गरम रोटी या नान के साथ पेश कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो चावलों के साथ भी खाया जा सकता है। देखें माशाल्लाह यहाँ पे इसकी लुक कितनी अच्छी नज़र आ रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी रेसिपी बता सकूँ। अपना ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।